सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म कर लें कि व्हाट्सएप स्टोरी सेव होती है या नहीं होती है। तो गाइस सबसे पहले अपना व्हाट्सएप मैंने ओपन करा और आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे ये जो स्टोरीज आ रही है यहाँ पे, ये मेरी रीड करी नहीं है मैंने अभी, और ये मेरी रीड करी हुई स्टोरीज है, ये देखिए, और गाइस ये वाले भी देखिए, ये सब मेरी व्हाट्सएप की स्टोरीज है। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे स्टोर होती है हमारे मोबाइल के अंदर। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताया था कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस दोस्तों, ये हमारे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। सो चलिए गाइस बता दें प्रोसीजर। सबसे पहले आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर के बाद दोस्तों अपना आपको इंटरनल स्टोरेज पे जाना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए इंटरनल स्टोरेज। फिर आपको अपना व्हाट्सएप वाला फोल्डर ओपन करना है। ये देखिए व्हाट्सएप का फोल्डर, इस पर क्लिक करा। फिर व्हाट्सएप का फोल्डर ओपन करने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना है मीडिया पे। मीडिया के बाद दोस्तों आप देखेंगे कोई सा भी फोल्डर व्हाट्सएप स्टेटस के नाम से नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। आप अपर में देख रहे हैं थ्री डॉट्स, इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो हिडन फोल्डर्स, आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस 56 के नाम से एक फोल्डर आ गया, उसको आप क्लिक करिए और देखिए जो मैं अपने स्टोरेज देख रहा था वो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली मोबाइल के अंदर सेव हो गई है। सो दोस्तों ये ट्रिक अच्छी है और आपको कैसे लगे प्लीज में कमेंट करके बताइएगा। और एक बार दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे जो स्टोरेज सेव होती है हमारे मोबाइल के अंदर ओनली 24 आवर्स के लिए स्टोर होती है, तो आप इसको परमानेंट बनाने के लिए कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये था, इसको मैंने क्लिक करा, कॉपी कर लिया और अब मैं कहीं पे भी इसको पेस्ट करूं तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये दोस्तों हमारे पास परमानेंट स्टोरीज हो गई है। तो वो जो पहले जो आता था हिडन फाइल करने के बाद, वो दोस्तों परमानेंट नहीं होती थी, ओनली 24 आवर्स के लिए होती थी। इसी वजह से हमको व्हाट्सएप पे वो 24 आवर्स के लिए दिखाई देता था। उसके बाद दोस्तों 24 आवर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो वो स्टोरीज आपके मोबाइल में से डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज लाइक दी वीडियो, शेयर एंड कमेंट करें, और थैंक यू फॉर गाइस 500 सब्सक्राइबर के लिए। ऐसे ही शेयर करते रहिए मेरी वीडियो ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।